खबर, फरीदाबाद में किडनी कांड से जुड़ी बड़ी खबर, अधिकारियों और पीड़िता से मिली रेनू भाटिया, सेक्टर 16 सर्किट हाउस में हुई मुलाकात, पीड़िता और पुलिस से मामले की ले रही है जानकारी। फरीदाबाद में किडनी कांड से जुड़ी बड़ी खबर, अधिकारियों और पीड़िता से मिली रेनू भाटिया, सेक्टर 16 सर्किट हाउस में हुई मुलाकात, पीड़िता और पुलिस से मामले की ले रही है जांच। पूरी जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। तो अधिकारियों और पीड़िता से मिली रेनू भाटिया, सेक्टर 16 सर्किट हाउस में हुई मुलाकात, पीड़िता और पुलिस से मामले की ले रही है जांच। तो जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। तस्वीरें देखिए आप, खबर से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें जो हैं वो आप तक हम साझा कर रही हैं। तो पूरा मामला है क्या वो जाना जा रहा है, ताकि सही जो जांच है वो की जा सके। तो फरीदाबाद में किडनी कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर और एक बड़ा अपडेट। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो महिला आयोग की चेयरपर्सन है रेनू भाटिया, उन्होंने दोनों पक्षों को बुलाया था, लेकिन यहाँ पर जो आरोपी पक्ष है उन्होंने अपने किसी दोस्त को यहाँ पर भेज दिया और वो खुद यहाँ पर नहीं आए हैं। हालांकि पीड़िता और पीड़िता का पति यहाँ पहुंचे हैं और पुलिस के अधिकारी, जो जांच अधिकारी, वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम मामले की जानकारी ली जा रही है और जो उनके दोस्त यहाँ पर पहुंचे थे आरोपी के, उनको यहाँ से मीटिंग से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर रेनू भाटिया ने बोला है कि उनके परिजन होने चाहिए या वो खुद होने चाहिए। इसके बाद उनको मीटिंग से बाहर निकाल दिया गया। और साफ तौर पर कहें तो जो पीड़िता है उससे अब पूरी जानकारी ली जा रही है किस तरीके से उसके साथ ये वारदात हुई, और पुलिस से भी पूरी जानकारी रेनू भाटिया जो है मांग रही है। जी राजेंद्र, यहाँ पर पीड़िता की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, पीड़िता ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि उनकी किडनी जो है धोखाधड़ी करके निकाल दी गई है, फर्जी कागजात तैयार कराए गए, विनोद मगोत्रा है जिन पर आरोप लगा है इस बात का, और लगातार इसको लेकर उन्होंने अब शिकायत दी है। 7 लोगों के खिलाफ इसमें मामला दर्ज हो चुका है, जिसमें 2 अस्पताल के कारिंदे हैं, एक स्वाति है कोऑर्डिनेटर और एक डॉक्टर है श्रीराम, जिनका FIR में नाम दर्ज हुआ है। और अब उनको भी यहाँ शायद बुलाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अभी आदेश दिए थे कि डॉक्टर को भी यहाँ पर बुलाओ मौके पर। तो लगातार पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र। राजेंद्र, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से आगे क्या कुछ मामला सामने आएगा, क्या कुछ यहाँ पर जो जानकारी है वो तो ली जा रही है, उसके बाद क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो बयान हमने बात की थी उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि वो छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन आरोपी उनकी पकड़ से बाहर हैं, तमाम आरोपी फरार हैं, और कहीं ना कहीं यही बात जो है जांच को आगे बढ़ने से रोक रही है। हालांकि पीड़िता की पूरी जांच की जा रही है, पीड़िता के तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं, तमाम दस्तावेज है उनको खंगाला जा रहा है, लेकिन आरोपी अभी तक जो है पुलिस की पकड़ से बाहर बने हुए हैं। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ उठाया था और अब लगातार इस मामले में जांच की जा रही है। जी चलिए राजेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।